आशीष और मैं श्याम चेलो। फ्रेंड्स, आज हमारे पास ये प्रोडक्ट है और ये इसमें हमें कुछ पेन्स और पेंसिल्स मिलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पेन्स हैं। तो इसमें ये जो पेन्स हैं, इनकी टिप पर आप देख सकते हैं कुछ प्लांट्स के सीड्स हैं। तो जैसे कि इस प्लांट पर कोरिएंडर की सीड्स हैं। देखिए यहाँ पर सीड्स हमें दिख रहे हैं। इसमें हमें टोमेटो के सीड्स दिखता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ टोमेटो। और देखिए अब हमारे पास कुछ पेंसिल्स हैं। देखिए इस पेंसिल में हमारे पास कोरिएंडर की सीड्स हैं। ये देखिए यहाँ पर कोरिएंडर। उसके बाद हाँ, इस प्लांट में हमें ब्रिंजल के सीड्स दिखते हैं। ये देखिए अब देखिए यहाँ पर हमें कुछ स्पिनच की सीड्स हैं इस पेंसिल में। और अब हमें यहाँ पर कुछ कोकोपीट डिस्क्स, ये देखिए इसमें कैरेट के सीड्स हैं। इस पेंसिल में मस्टर्ड के सीड्स हैं। ये सारे पेंसिल्स और पेन के जस्ट टिप पर सीड्स हैं और बाकी का पूरा पेंसिल है। देखिए यहाँ पर एक पेंसिल की नीब दिख रही है और ये देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस पेंसिल से। तो चलिए अब हम दिखाते हैं कि और हमें इसमें उगाने को क्या मिला है। तो यहाँ पर हमें कोकोपीट पॉट्स मिला है जिसमें हम अपने सीड्स को उगा सकते हैं। यहाँ पर हमें कुछ कोकोपीट डिस्क्स मिला है जिस पे अगर हम पानी डालें तो ये सॉइल लाइक सब्सटेंस में एक्सपेंड हो जाते हैं। सो हम अच्छे से इसको उगा पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक मैनुअल है। इसमें लिखा हुआ है स्लोली एड वाटर टू द कोकोपीट डिस्क, इट विल एक्सपैंड इनटू अ सॉइल लाइक मिक्सचर रेडी फॉर प्लांटिंग। जैसा मैंने आपको बताया था, इसमें लिखा हुआ कि हमें कोकोपीट डिस्क को इस कोकोपीट पॉट के अंदर डाल के धीरे धीरे इसमें पानी डालना है और ये कोकोपीट डिस्क अच्छे धीरे धीरे एक्सपैंड होगा एक सॉइल लाइक सब्सटेंस में। तो चलिए अब हम इसमें कुछ सीड्स डालते हैं। श्याम जी, अब तुम इस कोकोपीट पॉट के अंदर एक कोकोपीट डिस्क डालो। चलो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालता हूँ। देखिए मैंने इसमें थोड़ा पानी डाला है और अब ये धीरे धीरे सॉइल लाइक सब्सटेंस में एक्सपैंड होगा। ये देखिए अब ये एक्सपैंड हो रहा है। आप वीडियो में ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि ये एक्सपैंड हो रहा है। फ्रेंड्स, अब हम इसमें टोमेटो के सीड्स डालने वाले हैं। ये निशान जी, तुम इसके अंदर टोमेटो के सीड्स डालना। फ्रेंड्स देखिए हमने टोमेटो की सीड निकाल लिया और मैं इसे श्याम जी के हाथ में डाल रहा हूँ। चलिए डालो उसमें। फ्रेंड्स मैं बाकी का सीड डाल देता हूँ। फ्रेंड्स मैंने इसमें सारे सीड्स डाल दिए। तो अब इसे हम अच्छे से अंदर डाल देते हैं। अब हम इसमें थोड़ा और पानी डालेंगे। देखिए तो फ्रेंड्स हमने इसमें टोमेटो का सीड डाला और अब फ्रेंड्स अब मैं इसे यहाँ पर रख देता हूँ। तो फ्रेंड्स अब ये कुछ समय के बाद अच्छे से जब उग जाएगा तो हम वापस से आपको इसे दिखाएंगे। फ्रेंड्स इस प्रोडक्ट में इन पेन और पेंसिल्स में ज़्यादा से ज़्यादा
इको फ्रेंडली मटेरियल्स का यूज किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।